हमारी जो लास्ट यूनिट चल रही थी रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट सेंसिंग में जैसे कि मैंने बताया था कि रिमोट सेंसिंग का सारा ओवरव्यू एक तरीके से हो चुका है, बस आप जो टॉपिक पढ़ाए उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा कलेक्ट करना, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी विदाउट उससे फिजिकल कॉन्टेक्ट होके, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिमोट सेंस। रिमोट सेंसिंग में जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, जो हमें सन से मिलती है, ठीक है। दो तरह के आपके सेंसर बताए थे, एक्टिव पैसिव। एक सेंसर क्या होता है, जो दिन में काम करता है, जो हमारा सन से एनर्जी को यूज़ करता है। दूसरा जो होता है वो खुद अपने सिग्नल भेजता है। तो इसमें बताया गया था कि सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेड एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर के होते हुए, एटमॉस्फेयर के साथ इंट्रैक्शन होते हुए फिर ग्राउंड पे आती है और हमारे ऑब्जेक्ट पे टकराती है। अब उस टकराने के बाद कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इस एनर्जी के अंदर स्पेक्ट्रम भी होता है। इसमें बहुत सारी रेज होती है जिनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट आपका वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो ये इतना बता चुका था। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो आपका एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट होके आ रही है, अब यहाँ एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट हो रही है तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा, ठीक है। तो क्या चेंजेस होगा आज उसको पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है ये, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑन रिमोट सेंसिंग डाटा। ठीक है, यहाँ देखते हैं रेडिएशन इंट्रैक्शन विद एटीएम, जो मैं बोल रहा था एटमॉस्फेयर से आपका रिफ्लेक्ट होती है या एब्जॉर्ब होती है, क्या होता है। तो ऑल रेडिएशन यूज फॉर रिमोट सेंसिंग मस्ट पासिस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। भले ही आपका सेंसर सिग्नल भेजे, भले ही आप सन की एनर्जी यूज करो, ये तो है कि वो एटमॉस्फेयर से पास होके ही जाएगी। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट में हैव सब्सटेंशियली इंपैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ इमेज एंड डाटा डेट द सेंसर जनरेट, ठीक है। डाटा और इमेज की क्वालिटी पे कोई ना कोई तो इफेक्ट पड़ेगा ही इसकी एटमॉस्फेयर की वजह से। देयरफॉर द प्रैक्टिस ऑफ रिमोट सेंसिंग रिक्वायर नॉलेज ऑफ इंट्रैक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद एटमॉस्फेयर। तो तीन चीजें वहां पे होती हैं, जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट होती है या एटमॉस्फेयर से पास होती है, तो तीन चीजें होती है, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन। ये तीन चीजें होती हैं, उन तीन चीजों से क्या इफेक्ट पड़ता है हम आगे देखेंगे। ये एक डायग्राम है, इसको बस ऐसे हल्का सा देख लो कि यहां से जो हमारी रेज आ रही हैं वो कुछ स्कैटरिंग हो रही हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो रही हैं, ठीक है। कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है क्लाउड की वजह से, कुछ ट्रांसमिशन थ्रू क्लाउड हो रही है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ स्कैटरिंग हो रही है, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यहाँ पे पानी में जाके रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है कि किस एरिया में क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूरे अर्थ पे फॉलो होती हैं। मान लो मैं बोलूँ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग पूरे अर्थ पे हो रही है, एब्जॉर्बिंग कहीं ज़्यादा कहीं कम हो रही है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहीं ज़्यादा कहीं कम हो रहा है, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सी प्लेस के बारे में हम बात करें, वहाँ का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एनर्जी है, वो जब किसी दूसरी गैस से टकरा रही है, किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो ऑब्जेक्ट उसको या गैस उसको रिफ्लेक्ट कर देता है सभी डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं हम स्कैटरिंग, ठीक है। क्या कह रहा है पढ़ भी लेते हैं। एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग इज द प्रोसेस बाय विच स्मॉल पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज ए पोर्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन। यहां ध्यान रखना, कह रहा है डिफ्यूज ए पोर्शन ऑफ, पूरी का ही नहीं कुछ पोर्शन का, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आ रही है, अगर उसको फुल वो डिफ्यूज कर देगा, फुल वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा अलग अलग डायरेक्शन में, तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन फुल नहीं करता, कोई भी चीज़ फुल नहीं करती है, ठीक है। तो कुछ पोर्शन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को वो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देती है, डायग्राम में
अब ये जो स्कैटरिंग है ये भी तीन टाइप की होती है, रेले, माई एंड नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि इनमें क्या होता है। दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एटमॉस्फेयर से पास होके जा रही है, तो वहाँ तीन चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रहा है? स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन। जो स्कैटरिंग है उसका मतलब है कि उस जो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के कुछ पोर्शन को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब ये जो स्कैटरिंग, ये भी तीन टाइप की होती है, रेले, माई, MIE और आपका नॉन सिलेक्टिव। उसके बाद हम इन तीनों को डिस्कस करने के बाद बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की, उसको डिस्कस करने के बाद हम करेंगे रिफ्रैक्शन की। इस तरह से तीनों चीजें कंप्लीट होंगी। ठीक है, क्या कह रहा है ये? रेले के बारे में बात करते हैं। कॉज बाय स्मॉल पार्टिकल, एटमोस्फेयर में जो स्मॉल पार्टिकल हैं जैसे कि डस्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी वजह से ये होता है। ठीक है, अफेक्ट शॉर्टर वेवलेंथ मोर। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर एनर्जी आ रही है उसमें मैंने बताया था स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के अंदर रेज हैं, उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है ये वाला रेले स्कैटरिंग। मेक्स द स्काई ब्लू, रेड, ऑरेंज एट सनसेट। ठीक है, इसी की वजह से, रेले स्कैटरिंग की वजह से हमारा स्काई ब्लू दिखाई देता है और शाम को रेड दिखाई देता है, ऑरेंज दिखाई देता है जब सनसेट हो रहा होता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप दूसरे प्लैनेट या आप मून की बात करेंगे या मार्स की बात करेंगे, वहाँ से जब मार्स को हम देखते हैं तो वो आपको रेड दिखाई देती है क्योंकि उसका जो स्टोन है, रॉक है, वो रेड है, बट वो ब्लू या कोई और कलर की नहीं दिखाई देती क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। इसी तरह मून पे नहीं है एटमॉस्फेयर, तो जो उसकी सरफेस का कलर है वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। वो किसकी वजह से? रेले स्कैटरिंग की वजह से। माई स्कैटरिंग कॉज बाय पार्टिकल अबाउट द सेम साइज एज वेवलेंथ, यानी कि जो जिस पार्टिकल का साइज और जो वेवलेंथ आ रही है उसका साइज अगर सेम है तो यहाँ पर ये वाला आपका स्कैटरिंग होती है। स्मोक, डस्ट और पोलन, वाटर वेपर, इनकी वजह से वाली स्कैटरिंग होती है। फिर आपका नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग कॉज बाय मच लार्जर पार्टिकल, लार्जर पार्टिकल और वाटर ड्रॉप की वजह से ये वाली स्कैटरिंग होती है। तो अगर आपको थोड़ा सा ऐसे देखेंगे इसको, ऐसे अगर याद करना है अभी के लिए समझने के लिए मैं थोड़ा सा, तो रेले स्मॉल वेवलेंथ के लिए स्मॉल पार्टिकल, माई स्कैटरिंग सेम साइज वेवलेंथ है और सेम साइज पार्टिकल का साइज है, और नॉन सिलेक्टिव लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, वहाँ पे जो रिफ्लेक्टर स्कैटरिंग होती है उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे देखो, अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था उसी का एग्जांपल दिया हुआ है कि इन्वॉल्व गैस स्मॉलर देन आइसोलेशन वेवलेंथ स्कैटरिंग लाइट इन ऑल डायरेक्शन, मोस्ट इफेक्टिव और शॉर्ट वेवलेंथ वायलेट ब्लू एनहांस ब्लू स्काई। देखो ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द क्या होता है, जो आपका रेले है वो सबसे ज़्यादा होता है स्कैटरिंग में, तो स्कैटरिंग में रेले का ज़्यादा होना, और रेले क्या करती है शॉर्ट वेव को रिफ्लेक्ट करती है, और शॉर्ट वेव के अंदर वॉयलेट और ब्लू इस तरह के कलर आते हैं, तो इसलिए हमारी स्काई थोड़ी ब्लूइश लगती है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, द अर्थ हैज़ एन एटमोसफेयर सो इट हैज़ रेले स्कैटरिंग एंड द स्काई अपेयर ब्लू, जबकि द मून हैज़ नो एटमोसफेयर सो इट हैज़ नो रेले स्कैटरिंग एंड स्काई अपेयर डार्क। तो रेले हो चुका है, इतना ही है रेले के बारे में। अब माई के बारे में बात करते हैं। एनर्जी इंट्रैक्शन इन द अर्थ एटमोसफेयर में जो आपका स्कैटरिंग है उसका सेकंड टाइप है माई स्कैटरिंग, विच ओकर व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द एटमोसफेयर पार्टिकल। जो आपका आपका जो रेडिएशन आ रहा है, जो एनर्जी आ रही है, उसकी वेवलेंथ मान लो है 0.1 माइक्रोमीटर, और जो पार्टिकल है उसका भी डाया क्या है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ऐसे टाइम पे जब इस पार्टिकल पे टकराएगी ऐसी वाली रे जिसकी वेवलेंथ उसी के साइज के बराबर है, तब वहाँ पे कौन सा होता है आपका माई स्कैटरिंग होता है। तो लॉन्गर वेवलेंथ आल्सो गेट स्कैटर्ड कंपेयर टू दी रेले स्कैटर। यहाँ पे दिया हुआ है ये रेले है, ये माई है, ये माई स्केटर है। ठीक है, अब आ रहा है नॉन सिलेक्टिव।
नॉन सिलेक्टिव जिसमें हमने बात की थी पार्टिकल का साइज ज़्यादा होता है, तो पार्टिकल्स आर मच लार्जर देन वेवलेंथ, ठीक है, जो वेवलेंथ आ रही है उस वेवलेंथ से ज़्यादा क्या है, साइज है। ऑल वेव इक्वली इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग इट कॉज हेज इन रिमोटली सेंस इमेज डिक्रीज स्पेशल डिटेल ऑन द इमेज इज ऑल्सो डिक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज। ये कह रहा है कि कुछ धुंधलापन फॉग टाइप का इससे हो जाता है और ये डिक्रीज कर देता है स्पेशियल डिटेल ऑन इमेज और डिक्रीज कर देता है कॉन्ट्रास्ट। या आप समझो कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज का मतलब क्या है, अगर किसी इमेज का कॉन्ट्रास्ट आप डिक्रीज करते हो तो वाइटिश सी हो जाती है वो, और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हो तो उसके जो कलर है वो थोड़े डार्क हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी फॉरेस्ट का फोटो खींचते हो और वो वाइटिश सा आ रहा है तो क्या है, डिक्रीज हो रहा है कॉन्ट्रास्ट, और अगर उसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओगे तो वो ग्रीन ग्रीन क्लियर दिखाई देगा, है ना, जैसा बारिश होने के बाद दिखाई देता है वो क्लियर ग्रीन, और बारिश से पहले थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देता है। और कुछ भी कह रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स विद डायमीटर रेंजिंग 5 to 100 माइक्रोमीटर स्कैटर ऑल वेवलेंथ विजिबल लाइट विद इक्वल इफिशियंसी, एज कॉन्सिक्वेंस क्लाउड एंड फॉग अपीयर वाइटिश बिकॉज ए मिक्सचर ऑफ कलर एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्वांटिटी प्रोड्यूस वाइट लाइट। ओके, ये कह रहा है कि 5 से 100 माइक्रोमीटर वाली जो ड्रॉप्स हैं डायमीटर में वाटर ड्रॉप्स, वो ऑल वेवलेंथ जो होती है विजिबल लाइट की, जो ऑल वेवलेंथ्स हैं उन सबको इक्वली इफिशियंसी के साथ वो क्या करता है, स्कैटर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब सारी लाइट मिक्स हैं तो वहां पे कुछ वाइट हिस्सा होता है क्योंकि सारे कलर वहां पे मिक्स हैं। नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग यूजुअली रिजल्ट व्हेन द एटमॉस्फेयर इज हैवली डस्ट मॉइस्चर लेडन एज रिजल्ट ऑफ सेवरल एटेन्यूएशन एंड रिसीव डाटा, हाउएवर द अकरेंस ऑफ स्कैटरिंग मैकेनिज्म्स फ्रीक्वेंटली क्लू ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज पार्टिकुलर मैटर। होता क्या है कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना कि एक दो खेत हैं, एक मिंट का है और एक किसका है, क्या होता है उसकी चटनी बनती है, चलो ठीक है, दो चीजों की खेत हैं, दोनों के पत्ते एक जैसे हैं, दोनों को दिखने में साइज एक जैसा है, तो हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे, पुदीना हम डिफरेंस कैसे पता करते हैं कि उनके जो रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन का होता है ना, जो नियर नियर अबाउट नियर किसके आपका इंफ्रारेड लाइट के जो नियर होता है उनको वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन आपस में कंपेयर करेंगे उन दोनों का तो अलग अलग है कंपैरिजन, तो उसकी वजह से हम डिफरेंशिएट पता कर लेते हैं। पर ये जो एटमॉस्फेयर की वजह से सब कभी कभी क्या होता है कि डाटा जो है ना हमारा उसकी क्वालिटी घट जाती है और कभी कभी बढ़ भी जाती है। बढ़ती कैसे है, जैसे बताया बारिश हो गई तो डस्ट पार्टिकल सारे बैठ जाते हैं नीचे, उस दिन क्लीन आपका एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लीन होता है जहाँ बारिश हो जाती है ना, लेकिन वहां पे क्लाउड होते हैं, अगर बारिश होने के बाद क्लाउड हट जाए प्योर धूप निकल जाए तो वहां पे बिल्कुल डाटा बिल्कुल डाटा है रिमोट और है। इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि क्वालिटी डिक्रीज हो रही है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की, तो किस वजह से हो रही है ये हमें पता है, तो हम ये भी पता लगा लेते हैं कि वहां पे एटमोसफेयर या वेदर किस टाइप का है। इसी तरीके से जो आपके हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में होते हैं बहुत दूर दूर लाइट ईयर दूर होते हैं, उनको हमारा हबल टेलीस्कोप देखता है, पता करता है कि वहाँ पे किस टाइप का एटमॉस्फेयर होगा या वहाँ पे कौन कौन सी गैसें हैं, पता कर लेते हैं बिना ही फिजिकली कॉन्टेक्ट आए बिना, वहाँ पे केवल इमेजेस से रेडिएशन से जो एनर्जी आ रही है रिफ्लेक्ट हो रही है उसको एनालाइज करके उस डाटा को हम पता कर लेते हैं कि वहाँ पे किस टाइप का एटमॉस्फेयर है, लगभग अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट नहीं अप्रोक्सीमेट क्योंकि बहुत ज्यादा दूर होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स। एटमॉस्फेरिक विंडोज, नाम से ही पता चल रहा है विंडो, यानी कि आपका कहीं पर एक ऐसा ओपनिंग जहां से आपका ये सब बहुत कम हो रहा है ना। गैसेज एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज वेरी स्पेसिफिक रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम द इन्फ्लुएंस वेयर वी कैन लुक द रिमोट सेंसिंग पर्पज दोज एरिया स्पेक्ट्रम विच नॉट इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन दीज आर यूजफुल रिमोट सेंसर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक विंडो, ठीक है, जो कोई एक ऐसा रीजन एटमॉस्फेयर का जहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है तो उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो।
ये वही चीज़ है जो आपको बता चुका हूँ, वेवलेंथ दिया हुआ है आपका अलग अलग रेज का। लीव्स के बारे में बताया गया है कि क्रोनोफाइल स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब रेडिएशन इन आर एंड बी बट रिफ्लेक्ट जी। वेवलेंथ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हेल्दी लीव्स एक्ट एज एन एक्सीलेंट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर ऑफ नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ इन द फैक्ट ऑफ मेजरिंग मॉनिटरिंग एन आई आर रेफरेंस इज वन वे दैट वी डिफरेंट डिटरमाइन द हेल्थ थीनेस ऑफ वेजिटेशन। आपको पता होगा आरजीबी, आपने कंप्यूटर में कहीं जगह सुना होगा आरजीबी, ठीक है। सारे जो कलर होते हैं आपके वो इन तीनों से मिलके बने होते हैं, आर रेड ब्लू और ग्रीन। तो जो रेड और ब्लू है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं और ग्रीन को रिफ्लेक्ट नहीं करते ग्रीन पत्ते, इसलिए वो ग्रीन दिखाई देते हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि जो चीज़ जिस चीज़ का कलर हम जो देख पा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, मतलब उस चीज़ को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है वो या रिफ्लेक्ट कर रहा है, उल्टा इसका लोग सोच लेते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि क्रोनोफाइल स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब रेडिएशन इन आर एन बी एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन। होता क्या, जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है ना ऑब्जेक्ट वो उस कलर का दिखाई देता है, एब्जॉर्ब करता है उसका नहीं दिखाई देता, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है इमिट कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी मैं बताता हूँ थोड़ा सा ना, मैं गेमिंग पे भी काम करता हूँ, अगर आपने देखा होगा तो मैं गेम्स के इफेक्ट बनाता हूँ, तो जब वहाँ पे मैं इफेक्ट बनाता हूँ तो वहाँ ये सब चीज़ें बहुत काम आती है आरजीबी। वहाँ पे अगर मुझे किसी चीज़ का कलर रेड शो करना है ना तो मुझे वहाँ से रेड इमिट रिफ्लेक्ट करना होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट जो कलर होता है वही उसका दिखाई देता है, जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो कलर नहीं दिखाई देता, ठीक है। अब वाटर की बात करते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ विजिबल एंड नियर द इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब मोर बाय वाटर। जो ज़्यादा वेवलेंथ, इनकी लंबी वेवलेंथ है और जो नियर द इंफ्रारेड के पास है उनको ये वाटर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दस वाटर टिपिकली ब्लू और ब्लू ग्रीन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेंस एट द शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ को ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है इसीलिए ब्लू और ब्लू ग्रीन दिखाई देता है पानी। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो पास थ्रू हो रही है एटमॉस्फेयर से, वहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, स्कैटरिंग एब्जॉर्प्शन रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग में फिर तीन तरह के स्कैटरिंग होते हैं, रेले माए नॉन सेलेक्टिव, और उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का नाम ही समझो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो इफेक्टिव लॉस ऑफ एनर्जी टू एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मोस्ट इफिशेंट एब्जॉर्बर वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। हम जो बात कर रहे हैं उन ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं जो सरफेस पे, हम बात कर रहे हैं एटमोसफेयर के अंदर जो चीज़ें हैं, एटमोसफेयर के अंदर क्लाउड्स हैं, गैसेज हैं, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। तो मोस्ट इफिशियंट एब्जॉर्बर कौन कौन से, वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड बैंड, रडार एंड पैसिव माइक्रोवेव ऑपरेट इन 1 mm टू 1 m रीजन। इतना सारा वेरिएशन है वेवलेंथ्स का, इतने सारी गैसेस हैं, सबका अपनी अपनी इस वेवलेंथ और करेगी, इस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेगी। इस सारे जो वेरिएशन की वजह से ही हमें अच्छा डाटा मिलता है, अगर इतना वेरिएशन ना हो तो हम चीज़ों का पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रडार एंड पैसिव माइक्रोवेव ऑपरेट इन 1 mm टू 1 m रीजन, द मोस्ट इफिशियंट एब्जॉर्बर ऑफ सोलर रेडिएशन इन दिस रिगार्ड आर वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तीन चीज़ें याद कर लो, सबसे जो मोस्ट आपका एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की एनर्जी को, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। द वेवलेंथ रेंजेस इन विच द एटमोसफेयर पर्टिकुलरली ट्रांसमिशन एनर्जी रिफर टू एज एटमोसफेयरिक विंडो। इफेक्ट ऑफ एटमोसफेयर, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन कॉज वेवलेंथ डिपेंडिंग एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग एब्जॉर्प्शन इफेक्ट डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ इमेज, सम एटमॉस्फेयर इमेज एनालाइज एंड ट्रैप हेज एंड रिमोट सेंस एंड इट्स आल्सो डिक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज। वही जो तीन चीज़ हम पढ़ चुके हैं अभी भाई, एटमॉस्फेयर की वजह से स्कैटरिंग एब्जॉर्प्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है, उनकी वजह से जो इमेज की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, और जो आपका नॉन सेलेक्टिव है उसकी वजह से तो आपका कॉन्ट्रास्ट इमेज का डिक्रीज हो रहा है, हैज आपका इंक्रीज हो रहा है, और
इफेक्ट आर करेक्टेबल बिकॉज द इमेज एनालाइजर इंटरप्ट नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग कॉज हैज इन रिमोट सेंस इमेज. ये सारे इफेक्ट हो रहे हैं हमारे एटमोसफेयर की वजह से. ये जो नॉन सेलेक्टिव की वजह से वो ये है, आपके यहाँ देख सकते हो ये है आपका. अब यहाँ ये दूसरी इमेज क्यों दिखाई गई है, ये दिखाई गई है कि ये जो है आपका हेज जो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग हो रहा है इसको रिमूव किया जा सकता है थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के. फिल्टर जो होते हैं आपके, आप देखना कोई ऐसी इमेज आपके पास हो तो आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओगे तो थोड़ी बहुत वो ठीक हो जाएगी, थोड़े बहुत से कलर उभर के आ जाएंगे. तो इसको थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के. यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये ओरिजिनल इमेज है, फिर इसका कॉन्ट्रास्ट अगर बढ़ाया गया तो यहाँ पे ये इस तरह से दिखाई देने लगी. यहाँ पे सब एग्जांपल्स दिए हुए इसी चीज़ के कि कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के हम चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं फिल्टर लगा के. यहाँ पे इसको देख सकते हो इन दोनों इमेजेस में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है. यहाँ पर तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी जो धुंधलापन व्हाइटपन है उसको हम कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि वो धुंधलापन कैसे है वो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है ना, तो उस कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज किया जा सकता है आप किसी फिल्टर कंप्यूटर की हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से. कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज कैसे होता है, अगर आपका फॉग टाइप का एटमोसफेयर में तो हर चीज़ थोड़ी वाइटिस वाइटिस से दिखाई दे लेंगे, तो उसे कलर फीके से पड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज होना. यहाँ पर और एग्जांपल दिए हुए हैं, तो बस यहाँ तक है ये आपका. इसमें अच्छा रिफ्रैक्शन सही से नहीं दिखाया गया, केवल स्कैटरिंग के बारे में ज़्यादा सही से बताया गया है इस वाली स्लाइड्स में. चलो मैं देखूंगा कि एब्जॉर्प्शन तो ठीक है, कुछ आपकी गैस एब्जॉर्ब सबसे
हेलो ज्ञान, हाँ टॉपिक पर हेलो, तो कोई मेरे को कंट्रास्ट के बताए बारे में बता कि रहे कौन, थे। वो कंट्रास्ट वाली स्लाइड पे थे, वो कैसे वो इमेजेस कैसे से फेड आउट हो रही थी, फिर उनका कंट्रास्ट बढ़ा के मैं क्लियर हाँ करा के। कंट्रास्ट वाला पता सर शायद से। ठीक है, फिर टाइम हो गया, कल ही लेते हैं। कल मेरे को बताना कि कौन से कहाँ तक हो गया। वैसे तो मैंने पूरा करा दिया था कि डिस चुका है। डाउनलोड की, अब 26 हैं, तो लीव कर सकते हो आप क्लास को। ये अभय सर की क्लास थी, ठीक है, वो थे नहीं तो मैंने कर लिया था। ठीक है फिर।